हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल वेब बाइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा G5 की वेब सीरीज लाल बाजार के बारे में। स्टारिंग कौशिक सेन एस ACP सुरंजन सेन, गौरव चक्रवर्ती एस इंस्पेक्टर साबिर अहमद, सौरसनी मैत्रा एस इंस्पेक्टर मीरा, ऋषिता भट्ट एस रिपोर्टर माया घोषाल, सब्यसाची चक्रवर्ती एस DC शर्मा, सुब्रत दत्त एस गौरव दत्ता, दिव्येंदु भट्टाचार्य एस अब्बास गाजी, रोजिनी चक्रवर्ती एस फरजाना बानू एंड मेघना हल्लार एस सिंगर एंड डांसर पिंकी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्टोरी है लाल बाजार उर्फ कोलकाता पुलिस डिपार्टमेंट की। जी हाँ, कोलकाता पुलिस डिपार्टमेंट को ही लाल बाजार भी कहा जाता है, जिसके होमसाइड डिपार्टमेंट यानी के जहाँ पर मर्डर केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है उस डिपार्टमेंट के हेड हैं कौशिक सेन उर्फ ACP सुरंजन सेन। और उनके अंडर और भी कई ऑफिसर्स काम करते हैं, जिनमें से एक है सौरसेनी मैत्रा उर्फ इंस्पेक्टर मीरा। अब ACP सुरंजन सेन का शादी नहीं हुआ है, तो वो अपने गर्लफ्रेंड ऋषिता भट्ट उर्फ माया घोषाल के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। और दूसरी तरफ है गौरव चक्रवर्ती उर्फ इंस्पेक्टर सबीर अहमद, जो कोलकाता के ही एक दूसरे पुलिस स्टेशन के OC हैं, और वो उनके सीनियर सुब्रत दत्त उर्फ ACP गौरव दत्ता के अंडर काम करते हैं। अब उनके इलाके में एक दिन रूबीना नाम के एक प्रोस्टिट्यूट का फांसी लगाकर मौत हो जाता है, और इंस्पेक्टर सबीर अहमद ये एक खुदकुशी है या फिर मर्डर ये पता करने में लग जाते हैं। अब वो जैसे जैसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करते जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये असल में एक मर्डर है, और अनजान लोगों से उनको इस केस को छोड़ देने की या फिर इन्वेस्टिगेट ना करने की धमकी भी मिलने लगती है। और वो जब इस मर्डर केस के बारे में अपने सीनियर गौरव दत्त को बताते हैं तो वो कोऑपरेट या फिर हेल्प करने की जगह उल्टा उनको ही इन सब के लिए कोसने लगते हैं। अब इधर लाल बाजार में ACP सुरंजन सेन और उनकी टीम एक के बाद एक बहुत सारे मर्डर केसेस को सॉल्व करते हुए दिखाए गए हैं, और इन्हीं सब केसेस को दिखाने में इस वेब सीरीज के 6 या फिर 7 एपिसोड निकल जाते हैं। और ये सारे ही केसेस सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल टाइप के केसेस हैं, जिनमें से ज्यादातर का असली कहानी के साथ उतना कुछ लेना देना है नहीं। अब रिव्यू के खातिर ऐसी 2 कहानी मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। तो पहली कहानी है मेघना हल्लार उर्फ पिंकी की, जो एक सिंगर या फिर डांसर है। वो अपने ही एक बैंड मेंबर के साथ अफेयर कर लेती हैं, और उसी अफेयर के चलते वो अपने लवर के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर देती हैं उनके मुंह में पैंटी घुसाकर। अब ये पैंटी मर्डर केस न्यूज चैनल्स के वजह से एक बहुत बड़ा कांड बन जाता है, और उसी केस को सौरसेनी मैत्रा उर्फ इंस्पेक्टर मीरा अपने टीम के साथ मिलकर सॉल्व करती हुई दिखती है। और दूसरी स्टोरी में ये दिखाया गया है कि कोलकाता में एक आदमी अनाथ आश्रम चलाने के नाम पर छोटे छोटे लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बना के बेचता है और उनको सेक्सुअली मोलेस्ट भी करता है। अब एक दिन इंस्पेक्टर मीरा को ऐसी ही एक लड़की मिलती है जिसको उसने सेक्सुअली मोलेस्ट किया था या फिर उसका रेप किया था। तो वो इस केस की छानबीन में लग जाती हैं, और एक दिन भेष बदल कर उन लड़कियों को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती हैं। वो अपनी खूबसूरती का सहारा लेकर उस आदमी को अपने जाल में फंसा लेती हैं, और अपने टीम के मदद से उन लड़कियों को उसके चंगुल से छुड़ा लेती हैं। अब इधर इंस्पेक्टर सबीर अहमद को उस प्रोस्टिट्यूट रूबीना के खून के मामले में दिव्येंदु भट्टाचार्य उर्फ अब्बास गाजी नाम के एक माफिया पर शक होने लगता है, जो लड़कियों को खरीदना और बेचने का काम करता है और एक प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट भी चलाता है। अब अब्बास गाजी के साथ ACP सुरंजन सेन का भी एक पुराना कनेक्शन है, क्योंकि कुछ साल पहले उनके डिपार्टमेंट के एक लेडी ऑफिसर को उन्हीं के आंखों के सामने अब्बास गाजी के लोगों ने जलाकर मार दिया था। अब तभी से सुरंजन अब्बास गाजी को पकड़ना चाहता था और अपने लेडी ऑफिसर के मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उन्हीं के पुलिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर अब्बास गाजी के साथ मिला हुआ है, और उसी की वजह से वो आज तक अब्बास गाजी को पकड़ नहीं पाए हैं। तो अब ACP सुरंजन और उनकी टीम अब्बास गाजी को पकड़ पाते हैं कि नहीं, और वो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर आखिर कौन है जो हमेशा अब्बास की मदद करता है, और आखिर में वो प्रोस्टिट्यूट रूबीना को किसने मारा था, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये एक क्राइम थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज है जो कोलकाता के पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस वेब सीरीज में असली कहानी के साथ साथ दूसरे बहुत सारे अननेसेसरी कहानी को दिखाए गए हैं, जिसकी वजह से असली कहानी का इम्पैक्ट या फिर उसे देखने का मजा बहुत ही कम हो जाता है, और बीच के काफी सारे एपिसोड में आपको पता ही नहीं चलता कि आखिर हो क्या रहा है। और इसीलिए एक थ्रिलर वेब सीरीज होने के बावजूद आपको ये दिखने में उतना इंटरेस्टिंग या फिर एंगेजिंग नहीं लगता। तो अगर ओवरऑल बात करें ये बहुत सारी क्राइम पेट्रोल टाइप की स्टोरीज का एक खिचड़ी टाइप का कॉम्बिनेशन लगता है, तो मेकर्स अगर इसके मेन कहानी पर ज्यादा फोकस करते और उसी को लेकर एक 4 या फिर 5 एपिसोड की वेब सीरीज बनाते
तो ये दिखने में और भी अच्छा लगता। तो चलिए अब इस वेब सीरीज के एक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कौशिक सेन के बारे में, जिन्होंने एसीपी सुरंजन सेन का किरदार निभाया है। वो एक बहुत ही अच्छे बंगाली एक्टर हैं और उन्होंने अपने पुलिस ऑफिसर के किरदार को अच्छी तरीके से निभाया है, लेकिन ये उनका बेस्ट काम नहीं है और वो इससे भी अच्छा कर सकते थे। उसके बाद ऋषिता भट्ट, जिन्होंने माया घोषाल का किरदार निभाया है, वो इस वेब सीरीज में एक न्यूज रिपोर्टर बनी है जो एसीपी सुरंजन सेन के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में है और उसी का फायदा उठाकर वो कई बार पुलिस डिपार्टमेंट के न्यूज लीक कर देती है, क्योंकि उनकी एक बेटी है जिनको एक आदमी ने किडनैप करके रखा है और वही उनसे ये सब करने को कहता है। वो इस वेब सीरीज में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया है। और आखिर में सौरासिनी मैत्रा, जिन्होंने इंस्पेक्टर मीरा का किरदार निभाया है, वो एक बंगाली एक्ट्रेस और मॉडल है और वो अपने इंस्पेक्टर के किरदार में बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है, तो उन्होंने भी अपने रोल को अच्छी तरीके से निभाया है। आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो में जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अलविदा, और इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।